तो आप बाहर पढ़ना बंद कर दो, टीवी देखना बंद, न्यूज चैनल देखना बंद कर दो, क्योंकि इतने नकारात्मक खबरें होती है। टीवी चालू करो, कश्मीर में ये हो गया, पहाड़ में इतने लोग बह गए, यहां हत्या हो गई, वहां बलात्कार हो गया, यहां एक्सीडेंट हो गया, सारे खबरें बनी पड़ी रहती है। तो कई लोग बोलते हैं, खासकर प्रवचन वगैरह सुनने जाओ तो बोलते हैं, इससे दूर रहो तो दिमाग में कचरा भरना बंद हो जाएगा। लेकिन अब हम लोग आदत सी हो गई है, आज 16 अगस्त है, खबरें छपी नहीं, हमारे सुबह की जो चाय है वो फीकी रही तिवारी जी, मजा नहीं आया चाय, तो आज मोबाइल से ही काम चला लिया। तो नकारात्मक खबरें भी चलती है, लेकिन सकारात्मक भी बातें बहुत सारी जानकारियां मिलती है। तो नकारात्मक बातों को कैसे निकालना है वो अभ्यस्त होना पड़ेगा, और अभ्यस्त नहीं होंगे तो आज के जीवन जीना बड़ा कठिन। आदरणीय साथियों, ये जो घटना घटी राहुल साहू का, तो हम लोग तो दो दो राहुल के लिए लड़ रहे थे भाई, राहुल के लिए, राहुल गांधी हमारे नेता के लिए, ये बोरवेल में फंसे थे वो ईटी वाले फंसा कर। वो भी जो मामला है वो प्रेस से जुड़ा हुआ है, नेशनल हेराल्ड का मामला जो नेहरू जी ने स्थापित किया था, सरदार पटेल जी ने, किदवई जी और महर्षि टंडन, चार व्यक्ति ने एजीआर की स्थापना की उस मामले, तो यहां इसको भी नहीं छोड़ सकते थे, उसको भी नहीं छोड़ सकते थे, यहां भी खबर लेना है और वहां भी लड़ाई लड़ना है, दोनों तरफ था चिंता, दोनों तरफ की लगी हुई थी। लेकिन यहां सब लोगों ने, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे आम जनता हो, व्यवसायी हो, उद्योगपति हो, जिससे जो बन पड़ा, सब चीज उपलब्ध कराते गए। चुनौतियां बहुत बड़ी थी, 105 घंटे तक, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा ऑपरेशन था ये, 105 घंटे तक ऑपरेशन चला हो और बोरवेल में गिरने वाले व्यक्ति जीवित वापस आया हो, ये पहली घटना। इससे पहले बोरवेल में फंसे थे, निकले भी जीवित निकले, लेकिन वो हार्ड टाइम था, वो जमीन अलग थी, ये जमीन अलग है, वो नरम जमीन थी, यहाँ चट्टाने भी थी, पथरीली जमीन है, चट्टान भी सामने आया, वही बचा के रखा, वही परेशानी कारण भी हुआ, ऑपरेशन करने में दिक्कत भी पैदा की, सांप भी थे, पत्रकारों से कहा गया भाई चौबे जी बैठे हुए बोले इस खबर को मत दिखा भाई, फिर थोड़ा सा वातावरण, और सच में उस वो ढोड़िया सांप नहीं था, बगुला भी है, ढोड़िया नहीं था, हाँ वो जहरीले सांप था। लेकिन राव साहब की जो हिम्मत है उसको दाद देनी पड़ेगी, प्रकृति भी कितना सांप देता है और परीक्षा भी देता है, वो कठिन दौर भी था, सारे लोग डटे हुए थे, कभी उम्मीद जगती थी कि अब निकल आएगा, कभी निराशा में डूब जाते थे कि अब संभव ही नहीं, लेकिन आखिरी जो वक्त था कितना अच्छा था, निकलने के बाद ही बारिश, यदि बारिश पहले ही हो गई होती नहीं कोई नहीं, तो फिर ऑपरेशन में और कट नहीं आता, सबका योगदान रहा। और आज उन पत्रकार साथियों के लिए सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है, मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, पल पल की खबर पूरे प्रदेश और देशवासियों और दुनिया के लोगों को आप लोगों के माध्यम से पहुंचा। बहुत कठिन परिस्थिति थी, आप घर बार छोड़ के, अपनी सुविधाएं छोड़कर, पूरे अभाव में रहते हुए, कठिन परिस्थिति में रहते हुए खबरें आप आम जनता तक पहुंचाएं,
पहुंचाया, उसका फायदा ये हुआ कि सबकी दुआएं लगी, दुआओं में बड़ी ताकत और बच्चा सकुशल लौटा। अब उसके बाद भी परेशानी, क्योंकि यदि पानी रहता तो डूबने का खतरा था, यदि सूखा रहता तो हाथ पैर टूटने का खतरा था, सर फटने का खतरा था, कीचड़ था। लेकिन वही कीचड़ आखिरी में इस इंफेक्शन फैल गया। डॉक्टरों ने कहा कि ये ऐसा इंफेक्शन है कि कहीं यदि इंफेक्शन नहीं रुका तो लाखों करोड़ों में कुछ लोगों को होता है और ये बहुत खतरनाक होता है। तो हम लोग तो ये भी तैयारी कर ली थी कि इस बच्चे के एयरलिफ्ट करना पड़े तो एयरलिफ्ट करेंगे, लेकिन अपोलो के डॉक्टरों ने खूब मेहनत की। आजकल वर्चुअल बहुत सारी जानकारी ले ली जाती है, देश दुनिया से जानकारी ले ली जाती है, उसे संपर्क करके सहयोग भी लेते हैं। तो उन्होंने दुनिया भर के डॉक्टरों से संपर्क किया और फिर इलाज यही संभव हो पाया। वो सकुशल भी है, दूसरा क्योंकि उसकी स्पीच थेरेपी भी हम लोग करा रहे हैं, माँ बाबा बस इतना ही बोल पाता है, ज्यादा कुछ बोल नहीं पाता। मैंने उस बच्चे से पूछा क्यों 5 दिन तक रहे डर नहीं लगा, तो लड़का इधर उधर देखने लगा। मुझे लगा वो डर से वाकिफ नहीं है और इसीलिए वो जिंदा रह गया 5 दिन। उसके मन में वो जानता है डर क्या होता, तो वो फिर डर ही जाता है, इसी डर से मर जाता है। भाई हार्ट में हो जाए, ब्रेन में हो जाए, लिवर में हो जाए, किडनी में हो जाए, समझ आता है, लेकिन यदि जान में गोली लग जाए। सुरेंद्र शर्मा जी गांव जान में गोली लगी थी, लेकिन आया सब कुछ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे सत्तार अली जी हैं नक्सल मूवमेंट में, मतलब वहां सलवा जुलूम में थे। आजकल विज्ञापन भी आता है, आप लोग दिखाते हैं डर के आगे जीत है, लेकिन उसको पीने के लिए नहीं बोला है। आदरणीय साथियों, दो बातें हमारे नितिन चौबे जी ने जो अच्छा काम किया, तो सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी और उसकी कई दौर की मीटिंग हो चुकी है, ड्राफ्ट भी बनकर तैयार हो गया, कैबिनेट में आया नहीं है। और जिस बीच में जब कमी आया तब उस समय कोरोना का दौर भी था, विधानसभा सत्र आया, आप सब जानते हैं विधानसभा सत्र कोरोना आने के बाद एक बार तो बुलेटिन में ही हम लोग को पूरा बजट पास करना पड़ा। फिर दूसरी बार ये है कि जो जो जरूरी है वही काम करो। आज भी विधानसभा हमारे जो कांच लगे बेरिकेटिंग लगे वो हटे ही नहीं है। अध्यक्ष जी से हमने निवेदन किया था भाई हटा दो कम से कम, बगल में बैठ के विधायक से बात तो कर ले, बातचीत करते नहीं बनता। जो प्राथमिकताएं हैं वो थोड़ी सी उसमें प्रभावित हुई है, इस बात को मैं मानता हूँ कि पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन वो दौर ऐसा था कि हम लोग उसमें प्राथमिकता में थोड़ा सा नीचे क्रम में आ गया, लेकिन वो है हमारी प्राथमिकता में। और निश्चित रूप से आने वाले सत्रों में चाहे विंटर सेशन हो चाहे बजट सेशन हो, दोनों आने वाले हैं, उसमें जरूर हम लोग लाएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और पत्रकारों के हित में सरकार ने बहुत सारे निर्णय लिए जिसके बारे में जानकारी तो नितिन जी ने भी दिया और हमारे कार्यक्रम के संचालक हैं जूनियर वोरा उन्होंने भी दिया, तो बहुत ज़्यादा उसके बारे में न कहते हुए केवल इतना कहना चाहता हूँ कि ये स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में आपने जो बातें कही, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं स्वास्थ्य के संबंध में, यदि उसमें कवर होता है तो उसमें एक लाइन लिखने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन यदि उसमें कवर नहीं होता और अलग से उसको उसका हेड खोलना पड़े तो फिर तो विधानसभा ही सप्लीमेंट्री बजट में या बजट में ही संभव हो पाएगा। तो ये दोनों चीज़ मैं देख लेता हूँ, लेकिन वहाँ के झारखंड में भी इस प्रकार से योजना बने कार्यक्रम बना है, तो उसको मैं मंगा लेता हूँ, देख लेता हूँ कि उन्होंने बजट हेड भी किया है कि किसी योजना में उसको शामिल कर दिया है। यदि योजना में हमारी बहुत सारी योजना है उसमें यदि शामिल करना है तो नियम में यदि करना है तो सरकार खुद कर लेगी, यदि एक्ट लाना है या हेड खोलना है, एक्ट तो नहीं लगेगा हेड खोलना पड़ेगा, तो वो मैं देख लेता हूँ, यदि
फिर खोलना पड़ेगा तो फिर बजट में जाना पड़ेगा, लेकिन ये होगा, मैं आपको स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपने हमारी दोनों मांगों को सरल से। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.